तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली ये भी एक लॉजिक गेट के अच्छा सवाल है, तो ऐसे सवाल बार बार आए हुए हैं, तो ये सब आपको करने आना चाहिए। आउटपुट ऑफ ए बी, सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन से जो है मैं वाई का आउटपुट लिख लेता हूँ। देखो यहाँ से आया ए, तो अगर ये यहाँ ए तो इसको तो इनपुट ए मिला, लेकिन इसको भी इनपुट यहाँ ए मिला, और यहाँ से इनपुट इसको बी मिला, और यहाँ से इसको इनपुट बी मिला। इतना क्लियर है? और भाई ये कौन सा गेट है यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ये जो गेट है, ठीक है, ये ऐसे है। देखो ये जो गेट है वो ऐसे है, ऐसे वाला सीधी लाइन है, रेक्टेंगुलर है, ऐसे है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे दो इनपुट, तो ये क्या करता है भाई, मल्टीप्लाई करता है, और यहाँ बिंदी लगा हुआ हो तो ये इन्वर्ट कर देगा। ये ए आया, ए बी आया, तो ये करेगा ए डॉट बी, और बिंदी का मतलब ए डॉट बी का बार कर देगा आउटपुट, समझ रहे ना? तो ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी, और ऊपर बिंदी का मतलब बार हो गया, और ये यहाँ से आएगा, यहाँ से फिर ए मल्टीप्लाई होगा, तो ए डॉट मल्टीप्लाई ए डॉट बी का मल्टीप्लाई, यहाँ से तुम देखोगे यहाँ से ये वाला जो मल्टीप्लाई होगा, और ए टोटल का बार यहाँ आएगा। उसी तरह से यहाँ बी डॉट मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी का बार, और टोटल का बार आएगा, दैट इज आउटपुट वाई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। समझ रहे? फिर से ये वाला जो गेट है वो मल्टीप्लाई करेगा इनका, तो ए डॉट बी का बार, और ऊपर से ये बार छड़ा हुआ था, और इसको मल्टीप्लाई करेगा ये वाला गेट, ये जो गेट है, ये गेट इसको मल्टीप्लाई करेगा। बात आ रहा समझ में? तो ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेगा, और साथ साथ टोटल का बार भी चढ़ाएगा। यहाँ से देखोगे, यहाँ से तो ये यहाँ मिलेगा मुझे बी, समझ रहे ना, बी डॉट, यहाँ से इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, तो मल्टीप्लाई करेगा यहाँ, तो बी डॉट ए डॉट बी का बार, समझ रहे, और टोटल का ये बार है, और ये टोटल का बार चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदी लगा था यार, यहाँ पर एक बिंदी लगा था, ये वाला बिंदी। तो ये थोड़ा सा खतरनाक मतलब एक्सप्रेशन दिख रहा है, डरो नहीं, ठीक है ना? बीटेक से, बीटेक में कंप्यूटर साइंस से करोगे तो पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, तो हम लोग इसको काफ़ी पढ़े हैं। बट अब इसमें डी मॉर्गन लगा दो, हम पढ़े हैं डी मॉर्गन ला कि एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई हो और टोटल बार हो, तो एक्स भी अलग हो जाओ, वाई भी अलग हो जाओ, और मेरे भाई अलग होते वक्त अपना साइन और टोपी बार भी अलग कर लेना, और अपना साइन भी बदल लेना। आ रहा समझ में? और अगर ऐसे है, एक्स प्लस वाई है और बार है, तो अलग होते मल्टीप्लाई कर लेना, अपना साइन चेंज कर लेना, और अपना बार ले अलग अलग कर लेना। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इस लॉ का मैं यहाँ पर यूज करूँगा, ठीक है? तो अब जो वाई की वैल्यू है, मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि ए डॉट, यहाँ ए डॉट बी, इस टोटल का बार, और ये जो बार है, और ये बार अलग हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूँ किसका, बी डॉट ए डॉट बी का बार, ठीक है, और ये पहले से बार चढ़ा था, और ये बार हवा, हम सबको पता है एक्स उल्टे का उल्टा सीधा होता है, एक्स बार एक्स मतलब होता है एक्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी का यहाँ से बार, और मल्टीप्लाइड बाई बी डॉट ए डॉट बी का यहाँ से बार, ठीक है ना? तो दिस इज द वाई एक्सप्रेशन, अगर ये वाई का एक्सप्रेशन है। अब हम सबको पता है डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पर भी लगाओ, बता रहा समझ में? डी मॉर्गन्स लॉ दोबारा चेप दो, यहाँ पर ए को ऐसे ही रहने दो, ए डॉट बी पे डी मॉर्गन्स लगा दो, तो भाई तुम लोग अलग हो जाओ, और अपना साइन भी चेंज कर लो अलग होते वक्त, मल्टीप्लाइड बाई बी डॉट डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ लगा दो, बी ए प्लस बी अलग हो जाओ, और अपना साइन चेंज कर लो। अब एक काम करो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ए मल्टीप्लाई ए बार प्लस ए और बी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई बी और ए बार प्लस बी और बी बार यहाँ, समझ में आ रहा कुछ? तो तुम यहाँ अगर देखोगे प्यारे बच्चों, तो हम सभी बूलियन एक्सप्रेशन में पढ़े हैं ए और ए बार की वैल्यू जीरो होती है, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई, प्लस ए बी बार मल्टीप्लाई यहाँ बी ए बार बचा,
और प्लस ये जीरो हो गई। कुल मिला के आउटपुट वाई जो आ गया वो आ जाएगा ए और बी बार प्लस बी और ए बार। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, जार गेट है, ठीक है। अगर आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो यहीं पे डायरेक्ट वाई की आउटपुट रख दो और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, जार गेट। तो अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर ले लो और बेसिकली यहाँ पुट कर दो प्यारे बच्चों कि एक्स रखेंगे तो अगर मान लेते हैं जार गेट का ट्रू टेबल याद है तो फोर्थ ऑप्शन सही है। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, अक्सर हमें वैल्यू याद नहीं रहती। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो बी की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर देखो, अरे बेटा यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस जीरो, तो ए आ जाएगा वन। अगर ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू वन है तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। मतलब हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये सब गलत है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जरूर डाउट आप में आया होगा। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो और एक क्वेश्चन कर लेते हो तो समझ जाओ तुम एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।